नींबू के छिलके अक्सर हम फेंक देते हैं रस निकालने के बाद, है ना? सही बोल रही हूँ ना? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरडी कुकिंग। मैं हूँ पूना और आज हम नींबू के छिलकों का बहुत अच्छा यूज़ करने वाले हैं और नींबू की रस भी किस तरह स्टोर कर सकते हो काफ़ी महीनों तक। तो पूरा वीडियो आप ज़रूर देखिए कि इसका मैं क्या कर रही हूँ। तो यहाँ मेरे पास कुछ नींबू है, काफ़ी दिन से पड़े हुए थे, तो मैं सोचा चलो इसका कुछ बना लेते हैं, नहीं तो रखे रखे ये ख़राब हो जाएंगे, स्किन ख़राब हो जाएगी इनकी। तो चलिए इनको मैं काट लेती हूँ, सबको हाफ ऑफ कर लेती हूँ और फिर हम इनका रस निकालेंगे। तो रस को आपको किस तरह स्टोर करना है और इन छिलकों का क्या करना है वो पूरा देखिए वीडियो। तो चलिए इसकी रस निकाल लेते हैं हम। तो हाँ, बोल में मैं सारी रस जो है स्टोर कर लेती हूँ, इस तरह से रस निकाल, चाहे आप हाथ से निचोड़ लीजिए। पूरी रस निकाल लेते हैं इसकी और ये काफ़ी लंबे समय तक आप इसकी रस जो है आप स्टोर कर सकते हो फ्रीज़र में। तो किस तरह स्टोर करना है पूरा वीडियो आप देखिए। यहाँ सारी नींबू की रस मैंने निकाल ली है, तो इस रस को रख देते हैं फिलहाल अभी साइड में और इन छिलकों का पहले हम कुछ करते हैं। तो चलिए देखिए आगे कि मैं इसका छिलकों का क्या कर रही हूँ। तो रस को रख देती हूँ साइड में और इन छिलकों को क्या करेंगे, हम छोटा छोटा काटेंगे। अब ये बड़े बड़े पीसेस हैं ना, इनको हम काटेंगे, तो बिना रस के हैं, इनको छोटा छोटा कट कर लेंगे। और इसकी जो मैं करने वाली हूँ, इसकी जो रेसिपी रेडी कर रही हूँ वो है अचार। तो हम इंस्टेंट अचार बना रहे हैं नींबू की, बहुत बढ़िया बनती है इन छिलकों की अचार। तो एक बार आप देख लोगे तो हमेशा इस तरह से बनाओगे और छिलकों को कभी आप फेंकोगे नहीं, और छिलकों में काफ़ी विटामिन रहता है, तो प्लीज़ छिलकों को फेंकिए नहीं, इस तरह से आप उसकी अचार बना लीजिए। तो सारे छिलके मैंने यहाँ कट कर लिए हैं। अभी इंस्टेंट सी अचार बन रही है तो हम ना इसको थोड़ा सा पकाएंगे। तो गैस पे मैं रख ले रही हूँ एक पतीला जिसमें 2 ग्लास करीब पानी का डाल दिया है। इसको थोड़ा सा गर्म हो जाने देते हैं। यहाँ पे पानी गर्म हो चुका है मेरा, तो यहाँ पे मैंने छन्नी में ये जो छिलके हैं ना सारे छन्नी में डाल दिए हैं ताकि भाप पे ये अच्छे से पके। तो हमने इसको 10 से 15 मिनट तेज़ आँच पर पकाएंगे। तो मैं 10 मिनट इसको पका रही हूँ ढक के, बिल्कुल तेज़ आँच पर पकाएंगे ताकि जो छिलके हैं थोड़े से सॉफ्ट हो जाए। तो 10 मिनट के बाद ये छिलके थोड़े से ठीक हो गए हैं, सॉफ्ट हो चुके हैं थोड़े। तो गैस को कर दिया है मैंने बंद और इसको थोड़ा सा ठंडा हो जाने देते हैं। तो इसको रख देते हैं साइड में। चलिए अब रस को बताती हूँ मैं कैसे जमाना है हमें। तो यहाँ आइस ट्रे मैंने ले ली जिसमें हम बर्फ़ जमाते हैं, उसमें बस हमें इसको डालना है और कुछ भी इसमें रस में हमें ऐड नहीं करना है। बस डायरेक्ट जो रस है हमारी नींबू की रस, इसको हम इस तरह डाल देंगे और इसको रख देंगे फ्रीज़र में जमने के लिए। और ये बहुत अच्छे से जम भी जाती है। जमने के बाद आप ये जो क्यूब्स हैं, लेमन के क्यूब्स हैं, इसको आप निकाल लीजिए, एक एयर टाइट डब्बे में डाल के रखिए। आप इसको 5-6 महीने यूज़ कर सकते हो। कभी भी गर्मी में नींबू पानी शिकंजी बनाने का मन किया, नींबू नहीं है पर नींबू का रस तो आपने स्टोर करके पहले से ही रखा है, तो आप इजीली बना सकते हो, बर्फ़ की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए इसको मैं रख देती हूँ फ्रीज़र में जमने के लिए और चलिए आगे की प्रोसेस करते हैं। तो यहाँ मैंने 2 जार ले लिए हैं कांच के, इसमें नींबू के अचार बनाऊंगी। तो 2 तरह के अचार मैं बना रही हूँ, तो दोनों में ये जो छिलके हैं ना सॉफ्ट हो गए, ये डाल लेते हैं। तो एक रहेगी थोड़ी मसाले वाली और एक थोड़ी सिंपल वाली रहेगी। है तो दोनों ही सिंपल लेकिन बहुत बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो इस रेसिपी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, आप ज़रूर आप इसको ट्राई करिए, आपको बहुत पसंद आएगी ये अचार। और छिलकों का भी हम बहुत अच्छा यूज़ कर रहे हैं, फेंक नहीं रहे हैं, और आप भी मत फेंकिए, आप इसका यूज़ कीजिए। तो चलिए छिलके तो हो गए डाला, अब इसमें मैं डाल देती हूँ नमक। तो ये थोड़ा सा काला नमक मैं यहाँ पे ऐड कर लेती हूँ टेस्ट के अकॉर्डिंग। थोड़ा आधा आधा चम्मच यहाँ पे डाल दिया और थोड़ा आधा आधा चम्मच सेंधे नमक का डाल देंगे। तो नमक आप बहुत अच्छे से डालिए, नहीं तो नमक कम की वजह से भी अचार जो है कई बार ख़राब हो जाती है। तो यहाँ पर मैंने अच्छे से नमक दोनों में डाल दिया है। अभी जो छोटी बॉटल है इसको सिर्फ मैं नमक वाला बनाने वाली हूँ, सिर्फ नमक वाली नींबू की अचार। ये साल भर चलती है, बिल्कुल ख़राब नहीं होती है और बहुत अच्छी लगती है खाने में। तो इसको आप इस तरह से ज़रूर ट्राई करें, नमक वाली नींबू की अचार। तो चलिए ये नमक वाले हो गया, अब दूसरे में कुछ मसाले डालूंगी, एकदम सिंपल मसाले। थोड़ी सी लाल मिर्ची रहेगी, आधा चम्मच या टेस्ट के अकॉर्डिंग आप डाल लीजिए, और हल्दी रहेगी 1/4 छोटे चम्मच जितनी, क्योंकि अचार की क्वांटिटी बहुत थोड़ी सी है। तो बस और कोई मसाला यहाँ पे हमें ऐड नहीं करना है, सिर्फ नमक हल्दी और मिर्च है यहाँ पे। तो बस ये बेसिक मसाले हमने डाले यहाँ पे, और इसके ऊपर मैं थोड़ा सा ऑयल डाल दे रही हूँ, जो मसाले वाली है ना इसमें ऑयल। तो मैंने 3 बड़े चम्मच सरसों का तेल गर्म किया था वो यहाँ पर डाल दी थी, यहाँ पर मैं गर्म ही ऑयल इसमें ऐड कर रही हूँ। और जो नमक वाले नींबू ना उसमें ऑयल की बिल्कुल ज़रूरत नहीं रहती, ऑयल बिल्कुल भी मत डालिएगा उसमें, बस मसाला वाला है ना उसमें ही हमें ऑयल डालना है, ताकि ये जो है अच्छे से हम इसको साल भर अब चला सकें। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे तो बढ़िया, साल भर आप चला सकते हो। मेरी तो थोड़ी सी है, जल्दी ही ख़त्म हो जाएगी ये। बस अच्छे से इसको मिक्स करना, चाहे तो बोल में आप एक बना लो और फिर आप बॉटल में शिफ्ट कर लो अचार को। मैंने बोल में ही मिक्स कर लिया है
और ये अचार अभी थोड़ी सी गर्म है, तो थोड़ा सा 10 मिनट इसको मैं खुला छोड़ दूँगी, उसके बाद बंद करूँगी। और खट्टा इसके लिए थोड़ा सा मैं नींबू का रस यहाँ पर डाल रही हूँ, क्योंकि जो नींबू के छिलके हैं उनमें से रस हमने पूरा ही निकाल लिया था, तो थोड़ा थोड़ा खट्टापन इसमें मैंने डाल दिया है। तो बढ़िया सी अचार हमारी बन जाएगी, बस आपको एक दिन की आपको धूप दिखानी पड़ेगी इसको, और ये अचार जो है बिल्कुल रेडी हो जाएगी, क्योंकि हमने ऑलरेडी इसको भाप में भी पकाया है, तो जल्दी से ये सॉफ्ट हो जाएगी। तो अचार बिल्कुल तैयार है। तो कैसा लगा आपको वीडियो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ आप ये वीडियो पूरा देखिए, और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें। वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। आप अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिलीज़ के साथ आप इसको वीडियो को शेयर करें, चाहे तो व्हाट्सएप पे करो, फेसबुक पे करो, शेयर ज़रूर करो। तो मैं तो इसके ढक्कन बंद कर दिए, अच्छे से ठंडी हो गई अचार मेरी, जिसको मैंने गर्म तेल डाला था वो ठंडी हो गई। तो बॉटल्स को बंद कर दिया, इसको रख दूँगी मैं धूप में एक दिन की धूप दिखाना, और बिल्कुल ये रेडी है खाने के लिए। और यहाँ पे आइस क्यूब्स भी मेरे जो है बर्फ़ वाले, मतलब लेमन वाले आइस क्यूब्स जो हैं वो जम चुके हैं, तो इनको भी मैं निकाल के एक एयर टाइट डब्बे में डाल के रख दूँगी, और इसको बढ़िया से हम यूज़ करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री गणेश, वाहे गुरु।